करनाल में एक 22 वर्षीय युवक को किडनैप कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। यहां पर दोपहर के समय दो महिलाओं और चार युवकों ने मिलकर युवक को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया और अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट भी की। करनाल में दो महिलाओं और चार युवकों ने एक 22 साल के युवक को गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। बता दें कि 22 वर्षीय युवक कमल डांस एकेडमी में डांस सिखाता, जहां पर करीब 42 वर्षीय महिला डांस सीखने आती थी। दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे, लेकिन अचानक इस महिला ने युवक को बुलाया और अपने साथ एक महिला और चार युवकों के साथ इस युवक को किडनैप कर लिया। तो सर हम तो ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा चल लड़का डेली जाता है डांस क्लास के लिए, मैं कहा चलो आ जाएगा। तो सर किसी का फ़ोन आता है हमारे पास, टाइम तो शायद इतना ध्यान नहीं, ये 4 या 3:30 का कोई ऐसा टाइम हो, पूरी तरह ध्यान नहीं है भाई, आपके लड़के की बाइक ये खड़ी है और आप लड़के को कोई गाड़ी में घेर के ले गया सर। तो सर जब हम गए, प्रशासन पूरा था वहाँ, पुलिस भी काफ़ी खड़ी थी, तो इन्होंने सारी दरखास्त तो वहाँ मतलब उस टाइम कर लिया था। कुछ नहीं पता सर, मेरे को बुलाया सर, गड्डी में बैठा के ले गए सर। किन्होंने बुलाया जी? सर मैम ने बुलाया सर। क्या नाम है उनका? सर नीरू नाम है सर। कहाँ रहते हैं? नीरू समरान। कहाँ रहते हैं? पता नहीं सर। 9 सेक्टर। तो आप डांस एकेडमी चलाते हैं? हाँ जी चलाता था सर, अब नहीं चला। अब नहीं। तो क्यों आपको बुलाया उन्होंने, उठाया आपको? पता नहीं सर, मेरे को रीज़न नहीं पता सर, मेरे को बुलाया उन्होंने, बिठा के ले गए सर। चश्मदीदों के द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली थी वे 16 सेक्टर से अपहरण हो गया एक लड़के का, और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपियों को राउंड अप कर लिया। तो सर क्या कितने लोग थे, कहाँ कहाँ थे? ये अभी जांच चल रही है, अभी 6 लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज हुई। तो दो महिलाएं भी थी सर? दो महिलाएं। तो ये दो गाड़ियों पर थे सर? हाँ दो। महिला कहाँ की रहने वाली है जी? ये अभी बताएंगे हम, ये पूरी जांच के बाद बताएंगे। क्लियर। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला ने उसे किडनैप क्यों किया। टीम फोकस हरियाणा के साथ करनाल से मेनपाल की रिपोर्ट।